तो जैसा कि आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि ये टॉपिक किसके बारे में, जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एक सैक करियस लैब को कैसे रिपेयर करते हैं। तो रिसेंटली हमें एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें हमारे एक बैंक के थ्रू अप्रोच करा गया कि हमारी एक बिल्डिंग है उस पे ऊपर नए टेंडेंट्स आए जिन्होंने काफ़ी हैवी लोडिंग रखी है, एंड हैवी लोडिंग रखने की वजह से बैंक की जो स्लैब थी वो सैक कर गई थी। तो पहले मैं आपको थोड़ी एक क्लिप दिखा देता हूँ कि क्या सैक करा गया था, क्या बिल्डिंग के अंदर से कंडीशन थी, और उसके बाद आगे इसको डिस्कस करते हैं। इन केस अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया या फिर कुछ ऑब्जर्व नहीं कर पाए आप डिफ्लेक्शन, तो चलिए मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाता हूँ कि उस साइड पे प्रॉब्लम थी क्या। ये हमारी इमेज है उस पर्टिकुलर स्लैब की जो सैक कर रही है। आइए मैं पहले आपको बीम को हाईलाइट कर देता हूँ। ये वो बीम है जो बेसिकली सैक कर रही है। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये जो बीम है ये इसकी स्ट्रेट लाइन है और इतना वेरिएशन इसमें आ चुका है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये इसकी डिफ्लेक्शन वैल्यू है। मींस ओरिजिनल लेवल यहाँ रहना था इसका ऊपर, ये इसका ओरिजिनल लेवल रहना था, बट अभी ये इंक्लाइंड फॉर्म में नीचे की तरफ है। तो जो ऊपर से जो लोड आया है, जो भी इस पर लोड एक्ट हो रहे हैं, ऊपर एक्चुअली एक न्यू टेंडेंट आए थे जिन्होंने इसके ऊपर लोडिंग रखी है स्लैब के ऊपर, जिसकी वजह से स्लैब सैग होना स्टार्ट हो गई है। तो पहले एक बार पैटर्न स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं ये स्लैब है किस टाइप की। तो स्लैब में जो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स है वो है हमारे, एक तो ये मेन स्टील की बीम्स, ये इनका साइज़ है ISMB 150 जो हमने साइट पे मेजरमेंट की थी। बाकी जो सेकेंड बीम है, जो सेकेंडरी बीम्स है, वो है आपकी ये टी एंगल है जो है ISA 75 75 × 6 mm। ये भी हमने साइट पे मेजरमेंट किया था। हमारे पास एक्चुअली एक इक्विपमेंट है जिसको हम अल्ट्रासोनिक थिकनेस टेस्टिंग मशीन कहते हैं, जिससे हम एग्जिस्टिंग मेंबर का साइज मेजर कर सकते हैं। एक हमारे पास एक फ्रेम्ड आ गया कि बिल्डिंग का साइज क्या है। इसकी मैं लेंथ विड्थ बता देता हूँ जो हमने मेजर की है। बिल्डिंग लेफ्ट टू राइट ये डिस्टेंस है 4.16 मीटर्स। ये विड्थ हो गई बिल्डिंग की, एंड जो थ्रू आउट लेंथ है फ्रंट टू बैक ऑफ द बिल्डिंग वो हमारी 11 मीटर्स है। तो चलिए इसका एक इस बिल्डिंग को या इस स्लैब को रिपेयर करने से पहले हमें दो चीज़ें पहले कैलकुलेट करनी होगी। फर्स्ट कि इस स्लैब की एग्जिस्टिंग लोड कैरिंग कैपेसिटी थी कितनी जितने पे ये सैग नहीं होती। सेकंड, इस पे एग्जिस्टिंग लोड कितना है। कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग लोड है वो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा है जिसकी वजह से वो सैग हो रही है। तो ये दो चीज़ें हमें पहले कोई ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कोई भी रिपेयर मेथोलॉजी सजेस्ट करने से पहले। तो ये उस बैंक का एज बिल्ट प्लान है जो हमने प्रिपेयर किया है एज पर साइट मेजरमेंट। जो इसकी टोटल विर्थ है वो है 4.65 वॉल इनर टू इनर, एंड टोटल लेंथ है वो है 11 मीटर्स। इसमें ISMB 150 इंसर्टेड है। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ISMB 150 है, एंड ISA 75 75 जिनके ऊपर रॉक शीट रखी हुई है और जिसके ऊपर हमारे स्लैब का लोड बेसिकली आ रहा है और उसके थ्रू आपका ट्रांसफर हो रहा है ISMB 150 में। तो चलिए इसका एक स्टार्ट मॉडल रेडी करते हैं और उसके बाद कैलकुलेट करते हैं इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी है क्या। एज पर ड्राइंग मेजरमेंट्स हमने ये स्टैंड मॉडल बना लिया है। इसकी मैं आपको डायमेंशंस दिखा देता हूँ। ये जो विड्थ है इसकी वो है 4.6, एंड टोटल लेंथ है वो 10.850। बेसिकली सेंटर टू सेंटर है, एक्चुअल ऑन साइट वो 11 मीटर्स थी। अब मेंबर्स के साइजेस दिखा देता हूँ आपको। ये सारे मेंबर्स है ISMB 150, एंड जो सेकेंडरी मेंबर्स है वो ISA 75 75 एंड 6 mm। इसका एक बेसिक आपको 3D दिखा देता हूँ। देखिए इस टाइप से कुछ वहाँ पे स्ट्रक्चर था। हालांकि यहाँ पहली फैली में वॉल्स थी, बट हमने एक एंगल अज्यूम किया है सो दैट हम इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सके। ISMB के ऊपर मेंबर्स लगे हुए थे।
इसको थोड़ा इन मेंबर्स को ऑरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं कर देता हूँ एंड देन लोड असाइन करता हूँ। नाउ ऑरिएंटेशन चेंज करने के बाद जो इस पे बेसिकली लोड एप्लीकेबल होगा, दो ही टाइप के लोड होंगे, डेड लोड एंड लाइव लोड। कोई अर्थक्वेक लोडिंग इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। सो हमने सेल्फ वेट लगा दिया, हमने उसकी स्लैब का थिकनेस के हिसाब से हमने वेट कैलकुलेट किया कि 150 mm थिक स्लैब एग्जिस्टिंग थी, प्लस उसके ऊपर आपका 25 mm का फ्लोर फिनिश था, जिस बेसिस पे ये हमारी प्रॉपर वेट आ गया हमारा। देन लाइव लोड हमने 2.5 का लिया हुआ है मिनिमम। देन लोड कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, हम ऑटो लोड कॉम्बिनेशन पे जाएंगे इसमें, सिलेक्ट स्टील, जनरेट, असाइन। और चलिए अब इसको डिज़ाइन करते हैं और आपको मैं फाइनल मेथोलॉजी बताता हूँ। सो आफ्टर एनालिसिस हमारा जो फाइनल आउटकम आया, हमने जो बीम है बीम को हमने डिफ्लेक्शन एंड यूटिलिटी रेशियो दोनों में चेक किया है, एंड दो ऑप्शन थे हमारे पास बेसिकली। या तो हम एक एग्जिस्टिंग बीम के नीचे एक बीम लगा देते, मीन्स इसी के नीचे हम एक और बीम वेल्ड कर देते, सो दैट इसकी ओवरऑल डेप्थ बढ़ जाती और ये डिफ्लेक्शन इसकी कंट्रोल हो जाती। बट ऑन साइट बीम ऑलरेडी बेंड हो चुकी है तो वो पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमारा जो सॉल्यूशन था, हम बीम के राइट एंड लेफ्ट में एक न्यू बीम लगा देंगे ISLB 150। बेसिकली अगर आप सेक्शन देखोगे तो कुछ इस टाइप से उसका सेक्शन होगा कि एक एग्जिस्टिंग ISLB 150 है, हम ब्रिक वॉल को थोड़ा पंचर करेंगे, न्यू ISLB लगाएंगे 150, एक लेफ्ट एक राइट, दोनों साइड होगा, एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड होगा, एंड उसके नीचे एक ब्रिक का के लिए एक कंक्रीट का पैड बना देंगे, उसके ऊपर ये ISLB रेस्ट करेगी, उसको चारों तरफ से कंक्रीट से पैक कर देंगे। एंड इसको जब हमने स्टैंड में चेक किया तो ये थ्योरेटिकली सेफ था, डिफ्लेक्शन भी कंट्रोल में थी एंड यूटिलिटी रेशियो भी कंट्रोल में थी। सो इस चीज़ को अब हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल वीडियो भी हम आपको जल्दी शेयर करेंगे।